नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस लाइन में यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर यातायात माह का शुभारंभ किया। पुलिस अधीक्षक ने यातायात माह के शुभारंभ पर पुलिस लाइन सभागार में दीप प्रज्वलित कर वहां उपस्थित स्कूल के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकगण तथा अन्य लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि यातायात के नियमों का पालन करने पर प्रतिदिन होने वाले सड़क दुर्घटना कम हो जाएगी। उन्हें कहा कि दोपहिया चालक बिना हेलमेट लगाए न चले, तीन सवारियों को बैठा कर न चले तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बिना नंबर प्लेट लगाकर वाहन न चलाएं। नशे की हालत में तो कदापि वाहन न चलाएं। वाहन के तेज रफ्तार व वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर, क्षेत्राधिकारी सदर AR शंकर, ARTO संतोष कुमार, ARTO सत्येंद्र कुमार मौजूद रहे। इसका ये जो आयोजन होता है, इसका मकसद एक ही होता है, सड़क पे आम जनों की सुरक्षा। चाहे हम पैदल हों, चाहे साइकिल से, चाहे मोटरसाइकिल से, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली से, ऑटो से, चार पहिया गाड़ी से, जो भी आदमी सड़क पे चल रहा है उसकी सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारी खुद की सुरक्षा भी हर एक नागरिक का कर्तव्य है। खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करें, उसके साथ सुनिश्चित करें, और पुलिस का काम है कि सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और ये मुख्यतः दो जरियों से हो सकता है, एक जागरूकता और दूसरा एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट माने नियमों को लागू करना, उनका पालन कराना। लेकिन इसका अच्छा तरीका है जागरूकता का, क्योंकि इसी से भी आपको कोई काम कराना हो तो उसको आप जागरूक करके उसको फायदे नफा नुकसान बता के आप करा सकते हैं, वो बेहतर तरीका होगा कराने का। और अगर आप दंडित करके कराएंगे तो उसमें अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।